आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के 51 पदों को खत्म करने का फैसला लिया है। इस फैसले को लेकर अब प्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ ने आपत्ति जताई है और इसे लेकर आने वाले दिनों में भी बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार इन पदों को खत्म करके विद्युत बोर्ड के कार्मिक ढांचे के साथ छेड़छाड़ कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि इस वजह से प्रदेश विद्युत बोर्ड आम नागरिकों को जो सेवाएं और सुविधाएं दे रहा है उस पर असर पड़ेगा और सरकार को इस फैसले को तुरंत प्रभाव से वापस लेना चाहिए। प्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ के सह संयोजक हीरा लाल वर्मा ने कहा है कि सरकार के लिए गए फैसले को तुरंत प्रभाव से खत्म करना चाहिए। एक फैसला लिया जिसको हम जमा बिजली बोर्ड में आज बनाया है। बिजली बोर्ड में लगभग 52 पोस्टें बैंक कैटेगरी की, जिसमें एक्सएन है, एससी है, एसटीओ है, उनको ख़त्म किया है, एबोलिश किया गया। और हमारा ज्वाइंट फ्रंट पे इस पर बड़े पहले से सरकार से मैनेजमेंट से एक गतिरोध रहा है, मांग कर रहे थे कि पोस्टें एबोलिश करना बिजली बोर्ड के हित में नहीं है, क्योंकि ये पोस्टें लगभग 1970 से जब से बिजली बोर्ड बना तब से बिजली बोर्ड में थी और एक जो बिजली बोर्ड का ढांचा बना है उस ढांचे के साथ छेड़छाड़ होगी। आज भी ये जितनी तक पोस्टें हैं जो पोस्ट एब्लिश करी है, मैंड है, उस पर अधिकारी काम कर रहे थे और उनको इधर उधर ट्रांसफर किया गया, तो कहीं ना कहीं हमारा मानना है इन पोस्टों को एब्लिश करने से जो हम प्रदेश की जनता को कंज्यूमर को सर्विस दे रही है कहीं ना कहीं बिजली बोर्ड फंक्शनिंग से प्रभावित होगी। बोर्ड की तरफ से जारी आदेशों के अनुसार चीफ इंजीनियर ऑपरेशन शिमला जोन, कांगड़ा जोन, मंडी जोन, हमीरपुर जोन, जनरेशन इलेक्ट्रिकल अल सिस्टम और कम आर्बिट्रेटर कार्यालय से एक एक एससी का पद साफ करके इन 6 पदों को रीडेजिग्रेट किया गया है। बोर्ड ने सहायक अभियंता के 16 पदों को भी साफ कर दिया गया है। वहीं इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी सरकार को घेरा है। जयराम ने कहा है कि सरकार कास्ट कटिंग के नाम पर JESTO एक्शन के पद खत्म कर रही है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री पेट के दर्द में आँख का इलाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री से आग्रह है कि वो कास्ट कटिंग के नाम पर इंजीनियर नहीं वरन असंवैधानिक रूप से बनाए गए CPS सलाहकारों और OST की फौज को हटाएं।